समय अभी शाम के 6:15 बज चुके हैं और ये टीम जो रॉबिन हुड आर्मी है हमारे साथ लगभग 9 बजे सुबह से ये निकली हुई है और ये लगभग सभी इलाकों में जहाँ पे लोग घर में फंसे हुए हैं उनकी सहायता कर रहे हैं और उन तक खाने का भोजन पहुँचा रहे हैं। मात्र 3 दिन की बारिश में जो पटना का हाल हुआ है कि जो छिपी नहीं है और ये टीम लगातार 4 दिनों से उसके बाद उन बेसहारा लोगों के पास पहुँच रही है और उनकी मदद कर रही है। तो आइए इन टीम से मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से सहायता कर रहे हैं। सबसे पहले रजनी मैम बताइए किस तरह से आप हेल्प कर रहे हैं लोगों को। हम लोग जहाँ जहाँ मेन जगह पे तो बहुत कुछ हो रहा है लेकिन गली कूचे में कोई नहीं घुस रहा है और वहाँ पे हम लोग जहाँ जहाँ पता चला हर गली में हमारे बच्चे लोग मेन जगह पे ट्रैक्टर रोक देते हैं और हर गली में उतर के एकदम मतलब गर्दन तक पानी है वहाँ तक जाके एक एक आदमी को मिल जाए, क्योंकि कंप्लेन यही आ रहा है ना कि हर जगह मेन रोड पे लोग जा रहे हैं गली में छोड़ दे रहे हैं। तो हम लोग के जो भी वॉलंटियर हैं सारे सिर पे रख के एक एक गली में जाके और हर आदमी को जिसको जो जरूरत है उसको दे रहे हैं। मैम क्या क्या चीज़ें आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को? सबसे मेन जो चीज़ें पानी, ब्रेड, बिस्किट, सत्तू, चूड़ा, गुड़, सैनिटरी पैड भी दिया है और कैंडल्स, माचिस, ये सब है। कितने आपके मेंबर्स हैं जो इस लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे मेंबर बैकग्राउंड में भी काम कर रहे हैं, कितने मेंबर्स अभी काम कर रहे हैं? 20 से 25 तो वर्क कर रहे हैं डिवाइड होकर। हाँ, तो अभी हमारे साथ अरमान जी हैं जो कि रॉबिन हुड बोरिंग रोड चैप्टर के हैं, तो आइए उनसे जानते हैं किस तरह से वो लोगों को तकलीफ को दूर कर रहे हैं। जी बताइए। तो किस तरह से आप लोगों तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में पानी जमा हुआ है, तो कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जहाँ पे लोगों को ज्यादा जरूरत है? देखिए आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारा हम लोगों ने तरीका आजमाया है, जैसे व्हाट्सएप शेयरिंग कर रहे हैं हम लोग, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं जो कि सोशल मीडिया होती है, यूथ हमेशा यूज़ करती है उस चीज़ को, उस माध्यम से मैसेजेस दे रहे हैं और कई जगहों से वो मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको वो सामग्री चाहिए, खाना, सब्जी, दूध, दवाई, हर एक चीज़ हम लोगों को जो डायरेक्टली मैसेज भी आ रहा है हम लोग उन तक भी वो दवाइयाँ तक पहुँचा रहे हैं। इवन हमारी कोशिश ये है कि उनकी जो बेसिक नीड है उनको तक हम वो पहुँचा सकें। बहुत जगह में ऐसा हुआ है कि जहाँ पानी भर जाने की वजह से लेडीज़ जो हैं वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं और इसकी वजह से उनको जो सैनिटरी पैड्स वगैरह यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इवन जिस वजह से हमारे साथ जो लेडीज़ लोग हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, खुद से पानी में जाके वहाँ तक हेल्प भी कर पा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ सरकार नहीं पहुँच पाई है वहाँ हम पहुँचें। तो कितना मुश्किल है ये, क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ है, बहुत इलाकों में इतना पानी को लोग वहाँ जा भी नहीं सकते, तो वो कैसे आप मैनेज कर रहे हो? देखिए मुश्किल की जहाँ तक बात करें तो मुश्किल बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हर जगह टीम बड़ी हुई है। आज इस बार के सिचुएशन में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर संस्थाएं मिलके काम कर रही हैं, तो अभी हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में क्या किया था, जहाँ हम अपने ट्रैक्टर को नहीं लेके जा रहे हैं वहाँ ट्यूब का यूज़ करके वहाँ पे रॉ फूड को हम लोग उस पे डाल करके और धक्का दे करके उसको कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर ले करके जाएंगे। कई 3 रातों से हम लोग कोशिश ऐसा ही कर रहे हैं कि वहाँ तक वो चीज़ें पहुँच सकें और रॉबिन्स मिल करके जो 2-3 रॉबिन हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ तक इंटीरियर खुद से पहुँच भी रहे हैं, तो कोशिश यही रहती है वो ट्यूब का यूज़ कर रहे हैं। इवन NDRF SDRF की टीम्स कर रही है बट उनकी सपोर्ट नहीं मिल पाने की वजह से हम लोग खुद से वो सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। तो कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि आप लोग का ऑफिस वर्चुअल ऑफिस है, व्हाट्सएप पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो कितना डिफिकल्ट है रॉबिन्स को अपना इकट्ठा करना? आई थिंक मैं बताऊँ बहुत ही ज़्यादा टफ हो रहा है, क्योंकि हर किसी का एक पर्सनल लाइफ होता है, ऑफिशियल लाइफ होता है, उन सबको छोड़ करके हम लोग, इवन आई एम ऑल्सो अ वर्किंग बॉय, मैं भी काम करता हूँ लेकिन अपने जॉब को रिस्क पे करके मैं यहाँ पे आया, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर है और ऑब्वियसली पैसा तो सब कमाते हैं लेकिन अगर किसी के एक दूसरे का हाथ बटा कर ये काम करेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर काम कुछ नहीं है। और मुश्किल की बात करें तो जब तक मुश्किल में बढ़ करके एक दूसरे का हाथ नहीं बटाएंगे लोग इंसान आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कब तक सरकार की मदद करेंगे, हम लोगों को खुद भी अपनी मदद करनी चाहिए। तो फूड कैसे आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं, कितना डिफिकल्ट उसमें सामना करना पड़ रहा है? फूड डिफिकल्टीज़ की बात करें तो इवन मैं बता दूं रॉबिन हुड आर्मी जो कि पूरे इंडिया में काम कर रही है एंड हम लोग एक्चुअली पटना में बहुत दिनों से तकरीबन 4 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे फूड पार्टनर्स हैं डिफरेंट एरियाज़ के हैं, तो उनसे सहायता मिल पा रही है हमें। हम लोग कभी भी कोई भी कैश कलेक्शन नहीं करते हैं, 0 फंड पे काम करते हैं। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो हमें रॉ फूड दे सकते हैं, बना हुआ फूड दे सकते हैं और उन फूड को हम जहाँ ज़रूरतमंद है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इवन ये तो एक बाहर की वजह है कि हम लोग इकट्ठे होकर कर रहे हैं, हम रेगुलरली भी हमेशा हमारा चैप्टर चलाते हैं जहाँ गरीबों को पढ़ाई कराना हो और उनके खाने की ज़रूरत हो वो हम पूरी करते हैं। और वेस्ट हमारा सबसे बड़ा मोटो यही है कि हंगर फ्री इंडिया होना चाहिए, जहाँ ज़रूरत का खाना हो वहाँ पहुँचना ही चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए वो फूड, हमारा वही मकसद है। तो अभी ये ड्राइव कितना दिन तक चलेगा आपका, क्योंकि बहुत समस्याएं पटना में हर जगह? देखिए ड्राइव की जहाँ तक बात करें कोई पर्टिकुलर डेज नहीं है, जब तक ये सिचुएशन बना रहेगा रॉबिन हुड आर्मी टीम लगी रहेगी और हर दिन हम लोग काम करेंगे ही करेंगे जब तक ये
पूरी तरह से समस्या खत्म ना हो जाए। लोगों का फीडबैक कैसे आता है, क्योंकि इतना मुसीबत में आप लोगों तक खाना पहुँचा रहे हो, दो मुसीबत में है, तो उनका फीडबैक कैसे मिलता है आपको? फीडबैक जहाँ तक मैं बात करूँ, अभी कुछ दिनों पहले ही बात करूँ, अभी आज मुझे सुनने में आया कि पता नहीं कहीं से एक फ़ोटो लेकर के कहीं पे हमारे ही ग्रुप में आया कि ये बंदा हेल्प कर रहा है, तो वो बंदा नहीं था वहाँ पे, एक्चुअली रॉबिन हुड टीम थी। डजंट मैटर हु इज़ वर्किंग, द मैटर इज़ दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग, कौन कर रहा है वो मैटर करता है। और बहुत अच्छा फीडबैक है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, लोग बहुत खुश होते हैं ये चीज़ जान करके कि कोई संस्थाएं हैं जो आगे बढ़ के काम कर रही है, बहुत खुशी मिलती है। इवन आप भी हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आप भी हमारे पुराने वॉलेंटियर हैं और यू आर ऑल्सो डूइंग वेल जॉब, सुबह से सवा साथ में ही हम लोग, थैंक यू सो मच। तो फूड जो मिलता है आप लोग को, पैकेजिंग जो मिलती है, वो किस तरह से आप लोगों के पास आता है और कौन स्पॉन्सर करते हैं? हम लोग का जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग किसी से पैसा तो नहीं ले सकते, सिर्फ काइंड पे काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे स्पॉन्सर हैं अभी 3 साल में जो हम लोग बनाए हैं, जैसे कि हम लोग का रोटरी क्लब से है, उसमें अनिल लटरिया सर हैं, पाटलिपुत्रा रोटरी है, बहुत सारे जो रोटरी के पार्ट्स हैं वो सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ में मुकेश सिसारिया सर है, माँ वैष्णो देवी जो है, फिर बालाजी समिति है हम लोग का, कोहली स्पोर्ट्स जो एग्जीबिशन रोड में शॉप है वो वहाँ से आता है खाना। तो हम लोग को अगर कभी भी रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज की, तो वो लोग खुद से ही कॉल करके हम लोग को बोलते हैं कि हम हमारे पास से रॉ मटेरियल ले जाइए, पानी का बॉटल ले जाइए, एक रॉ वाटर करके है वहां से हम लोग को पानी मिल जाता है। तो वैसे करके हम लोग काम करते हैं, कोई हम लोग फंड पे तो काम करते नहीं। अभी भी जो हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं से भी हम लोग पैसा लगा के या कहीं से भी पैसा लेके नहीं कर रहे, इवन अगर हम लोग ट्रैक्टर में भी बैठे हैं तो ये भी स्पॉन्सर हुआ है कहीं ना कहीं से। तो हम लोग टोटली स्पॉन्सर बेस में काम करते हैं और जो हम लोग का काम अच्छे से और कंटिन्यूटी में चल रहा है अभी। अच्छा, उन लोगों के लिए बताया जो आपको ज्वाइन करना चाहते हो, कैसे ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत लोगों में लगता है कैसे ज्वाइन करें, लोगों में एक्साइटमेंट है, देख रिकॉग्नाइज करते हैं रॉबिनहुड आर्मी, तो कैसे ज्वाइन करें इसके बारे में? सिर्फ एक सिंपल सा साइट है www.robinhoodarmy.com, सिर्फ इसमें जाना है, रजिस्टर करना है, सिटी में पटना डालेंगे तो जो भी हमारा नियर बाय एरिया होगा वहाँ का POC उनको प्रॉपर कॉल कर लेगा, ऑटोमेटिक वो एक ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसमें भी और व्हाट्सएप में भी, वहाँ से उनको ड्राइव डिटेल अपडेट सारी मिलते रहेंगी। तो रॉबिनहुड आर्मी दिन रात सुबह से लेकर शाम तक लोगों की सहायता कर रही है, अभी 6 बज चुके हैं लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सिलसिला अभी आगे चलता रहेगा और उन लोगों तक खाना पहुंचाया जाएगा जो मुसीबत में है, और ये मुसीबत के मसीहा उन लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनकी सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे की खबरों के लिए बने रहे द फुल वॉल्यूम के साथ।